जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी से रिलेटेड कि क्या हिजाब सही है, दूसरी बात क्या हिजाब पहनना चाहिए या नहीं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि क्या हिजाब जो है ये सही है या गलत। दूसरा क्वेश्चन, क्या हिजाब पहनना चाहिए या नहीं। दो क्वेश्चन को लेकर इस समय कर्नाटका में बहुत तगड़ा विवाद छिड़ा हुआ था जो कि अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश यानी कि ये हाई कोर्ट तक का मामला था ही, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसके अगेंस्ट यानी कि कर्नाटका सरकार ने बैन किया था कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आना बैन रहेगा, मना है। इसके प्रोटेस्ट में कुछ गर्ल्स यानी कि हिजाब, जैसा कि हम सभी जानते हैं मुस्लिम की गर्ल्स मतलब लड़कियां ही पहनती हैं, तो वो जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट की, मतलब धरना देना शुरू की। उसी के अगेंस्ट एक धरना और शुरू हुआ पैरेलली, जो भगवाधारियों का था, मतलब जो भगवा पहन के धरना स्टार्ट कर दिए। धरना उग्र रूप तब धारण किया जब मतलब भगवाधारियों द्वारा या भगवा पहने हुए लोगों द्वारा एक मुस्लिम लेडीज को छेड़ा गया, मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सिचुएशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि क्या, सबसे पहले वही दो क्वेश्चन मैं बात करूंगा कि क्या हिजाब पहनना सही है या गलत। तो इसका दो मतलब इसका डायरेक्टली आंसर देना ठीक नहीं, इसलिए तर्क से साथ में आंसर देना चाहूंगा मैं। सिंपल बात आप समझिए कि क्या हमारा संविधान हिजाब पहनने की परमिशन देता है। अब कुछ लोग हिजाब और बुरखा में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बुरखा वो होता है जो चेहरा आपका यहां तक, माथ आपका मतलब सिर्फ जिसमें आंखें दिखे वो बुरखा होता है। हिजाब होता है कि पैरेलली आपका सिर्फ सर ढका रहे, इतना आपका ये पूरा खुला रहे, मतलब ये पूरा चेहरा आपका खुला रहे, हिजाब होता है। क्लियर ना। हिजाब और बुरखे में मतलब कंफ्यूजन लोगों में होती रहती है कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। बुरखा जो है ऑलरेडी कई देशों में बैन है, इंडिया में भी बैन कर दिया जाए, वहां पे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब हिजाब को बैन किया गया। दूसरी बात, अब हम समझते हैं कि क्या हिजाब जो है ये पहनना सही है या नहीं, कहां तक सही है। हमारा जो संविधान है वो भी इस बात की परमिशन देता है कि कोई भी धर्म वाला हो, जैसा कि इंडिया सेक्युलरिज्म है, कोई भी धर्म वाला हो वो अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकता है। ये हमारे संविधान में तब तक कर सकता है जब तक उससे कोई पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, कोई दंगा वगैरह ना हो रहा हो, किसी को कोई कष्ट ना हो रहा हो, मतलब तब तक वो सही है, अपने आप धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं। इंडिया में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, सभी धर्मों का बराबर सम्मान यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए। तो हमारा संविधान तो कहता है कि आप अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वहां पे तब तक कर सकते हैं जब तक ये कोई कंट्रोवर्सी ना बनी हो, मतलब इससे पब्लिक को नुकसान ना हो रहा हो, या मतलब किसी भी प्रकार से गवर्नमेंटल जो चीजें हैं, मतलब जो पब्लिक की चीजें हैं, पब्लिक अथॉरिटी, उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो रहा हो, तो तब तक आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले मतलब धरना के पहले अगर बात किया जाए, इस प्रोटेस्ट के पहले अगर बात किया जाए, तो हिजाब पहनने से किसी को क्या नुकसान हो सकता था। मान लीजिए कोई लेडीज एक हिजाब पहने हुए है, उससे किसी पब्लिक को नुकसान हुआ, किसी पब्लिक को कोई कष्ट पहुंचा, सरकार के किसी भी नीति को कोई दिक्कत आई, नहीं आई, तो तब तक तो हिजाब पहनना ठीक था। लेकिन अब जब इससे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, अब हिजाब पहनना ठीक नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब कर्नाटका सरकार ने जब हिजाब बैन किया, उस समय संविधान हमारा हिजाब पहनने की परमिशन दे रहा था। बात समझ पा रहे हैं। यहां पर एक ही पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा कि जिस समय कर्नाटका सरकार ने हिजाब को बैन किया, उस समय हमारा संविधान हिजाब पहनने की परमिशन दे रहा था। अब हमारा संविधान हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि अब इससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है। इसमें डायरेक्टली प्रोटेस्ट होगा तो पब्लिक को नुकसान होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजों में अभी तक जो धरना देखने को मिलता था वो इस प्रकार का होता था कि अपने हक की लड़ाई लड़ी जाती थी, जो कि उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। जैसे हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें बच्चे धरना किए, वो अपने हक की लड़ाई लड़े। आरआरबी ग्रुप डी वाला, रेलवे ग्रुप डी वाला जो निकला, उसमें हक की लड़ाई किए। लेकिन अब दुनिया जो है, देश जो है, इस प्रकार से रिलीजियस में डिवाइड होता जा रहा है, धर्मों में लोग बंट रहे हैं,
कि पैरेलली एक मुस्लिम का धरना चल रहा है, पैरेलली एक भगवाधारी का धरना आ गया। मुझे आज भी ठीक से याद है कि जब मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन होता था या कोई भी ऐसी चीज होती थी, उसमें अगर कहा जाए कि सभी लोग जो है व्हाइट शर्ट पहन के आइएगा, सभी लोग मतलब 10-15-20 जो ग्रुप बना, सभी लोग व्हाइट शर्ट पहन के आइएगा, व्हाइट शर्ट सभी के पास नहीं हो पाती थी। पैरेलली मतलब किसी की अगर व्हाइट शर्ट है तो उसमें कुछ प्रिंटेड होगी, किसी की फॉर्मल हो जाएगी या किसी की लाइट ब्लू हो जाएगी, किसी की मतलब एग्जैक्टली व्हाइट कलर की शर्ट 15-20 लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पाती थी, जबकि स्कूल में कहा जाता था कि सभी लोग पहन के आइएगा। आप सभी सोचिए कि इस प्रकार से भगवा वाले जो आए, मतलब भगवा धारण किए, उनके पास सेम भगवा कलर की टोपी, 150 लड़के आए, 150 के पास भगवा कलर की टोपी और भगवा कलर का गमछा। ये किसी संगठन का काम है जिन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया और कहा कि इसके पैरेलली आप प्रदर्शन करिए। बात समझ पा रहे हैं? आप खुद इस बात को समझिए कि पैरेलली जब धरना स्टार्ट हुआ तो ये किसी संगठन का काम है जिसने इसे भड़काया, इस धरने को भड़काया। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य 5 राज्यों में, यानी कि कुल मिला के 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव में विकास की बात छोड़िए, धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। सिंपल बात, धर्म के आधार पर यहाँ पर बंटवारा होता जा रहा है। धर्म से अगर किसी को फुर्सत मिली, रिलीजियस से किसी को फुर्सत मिली, तो वो सिंपली विकास की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, रेलवे की बात करेगा। लेकिन यहाँ हमारा देश आज के समय में लोग उसे धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। ये मुस्लिम है ये सपा को वोट देगा, ये हिंदू है ये भाजपा को वोट देगा, ये मुस्लिम है ये भाजपा को वोट देगा, ये हिंदू है ये किसको वोट देगा। आज की हमारी पॉलिटिक्स इस बेस पर होती जा रही है। इसी का एक जीता जागता नमूना ये हिजाब प्रदर्शन है। सरकार को हिजाब को बैन नहीं करना चाहिए था। एक बात सिंपल बात आप समझिए कि जब कर्नाटका सरकार ने हिजाब बैन किया, उस समय की बात आप सोचिए, खुद सोचिए कि क्या हिजाब पहनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहां पे, किसी पब्लिक को कोई समस्या वहां पे नहीं हो रही थी। आज भी कई मुस्लिम लेडीज ऐसी हैं कि वो क्या खुद से अपने आप को पर्दे में रखना चाहती हैं, क्या खुद से अपने इतनी गर्मी में अपना पूरा चेहरा ढकना चाहती हैं। हमारे यहाँ गर्मियों में हम लोग हाफ टी शर्ट तक नहीं पहन पाते हैं, उसके बाद भी पसीना धड़ाधड़ गिरता रहता है। तो क्या इतने कवर, अपने आप को इतना कवर कोई खुद से मर्जी से करना चाहता है? नहीं, वो उनकी रिलीजियस धर्म मान्यता होगी या उनकी मजबूरी होगी, उन्हें इंसिस्ट किया जाता होगा किस प्रकार से, चाहे उनके परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, किसी भी प्रकार से उनको इंसिस्ट करते हों। सिंपली अगर उन्हें बुरखा या हिजाब ना पहनने दिया गया तो हो सकता है उन्हें कॉलेज तक ना भेजा जाए। तो ये एक इतना बड़ा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि हाई कोर्ट ने प्ली दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप इस मामले को सुनवाई कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है फिलहाल कि हम अभी इस मामले को नहीं उठाना चाहते हैं। तो हिजाब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है इस समय। मैंने आशा करता हूं कि ये कंट्रोवर्सी भी आप लोग समझे होंगे कि क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।